हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसा कि हम हर रोज़ एक ऐसा वीडियो लाते हैं जिसमें हम आपको अगले दिन के लिए इंट्राडे वाले स्टॉक्स बताते हैं, तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही टाइटन शेयर के बारे में हमने जो आपको बताया था पिछले वीडियो में, उससे रिलेटेड भी एक पॉइंट हम आपको इसमें बताने वाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टॉक के बारे में जाने, तो उसमें पहला स्टॉक हमारा है ACC। ACC में आप देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से राइजिंग है, एंड यहाँ पे प्राइस उसी उससे थोड़ा दूर अभी क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जैसे ही यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद हमारी एंट्री उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रहेगी, एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ग्रीन कैंडल के हाई के लो के नीचे। अगला शेयर अगर देखें तो वो है यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम शेयर ने दिखाया था। अभी रिसेंट में देखें तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हो यहाँ पे राइजिंग चल रहा है। अभी ये जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जैसे ही यहाँ पे मूविंग एवरेज के नज़दीक में आके यहाँ पे अगर कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री लगा देंगे, एंड यहाँ लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स के इस शेयर को भी आप जहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगला शेयर देखें तो वो है यहाँ पे बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो मूविंग एवरेज अभी राइजिंग होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी जैसे ही यह शेयर का प्राइस यहाँ से इस मूविंग एवरेज के नज़दीक यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद ग्रीन कैंडल जैसा हमने बोला उसके ऊपर एंट्री, एंड उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगला शेयर देखें तो वो है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग चल रहा है, शेयर का प्राइस उसी से थोड़ा ही दूर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज हमारी लास्ट में चल रही है 112.80 के आसपास, एंड लास्ट कैंडल में शेयर ने बनाया है लो, वो है 112.95 का। तो अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस रिजेक्शन दिखाया है, एंड मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक भी है, तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाई जरूर कर सकते हैं, या फिर कल यानी कि मंडे को यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका हमें वेट करना है। आप दोनों ही तरीके से इस शेयर में एंट्री बना सकते हो। अगला शेयर देखें, उससे पहले हम बता दें कि टाइटन शेयर के बारे में हमने जो बताया था कि उसमें अच्छा खासा पैसा बनने वाला है, आपको एंट्री किस लेवल पे करनी है, तो वो एंट्री यहाँ पे अभी हमारी हो चुकी है। आज वो ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर्ड हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो लेवल नहीं देखा, तो ऊपर आई कार्ड में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे लेवल बताया है। तो अब अगर अगला शेयर देखें तो वो है यहाँ पे भारती एयरटेल। मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से राइजिंग है, शेयर प्राइस उसी के आसपास खड़ा हुआ है। तो अभी जैसे ही यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है हमारी कुछ इस तरीके से, तो फिर उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री, उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगला शेयर देखें तो वो है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में आप देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज चल रहा है, एंड शेयर प्राइस उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है, ग्रीन कैंडल भी बनाया है, लेकिन पिछले 1 घंटे में यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है। तो अभी मंडे के दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल का तो हम वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे जरूर कंसिडर करेंगे, उसके ब्रेक के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी के इस 4618 को लेवल को याद रखिएगा, एंड इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अगला शेयर देखें तो वो है हमारा नाइका। तो नाइका में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मूविंग एवरेज चल रहा है, एंड शेयर प्राइस यहाँ पे उसी के नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखे, तो उसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री हो जाएगा, एंड लो के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप इस लेवल को भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला शेयर अगर हम देखें तो वो है यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे भी हमें मूविंग एवरेज राइजिंग होता हुआ दिख रहा है, एंड शेयर प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्राइस रिजेक्शन भी दिखा दिया है। तो अब वेट करना होगा हमें मंडे का,
यहाँ पे कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल बने, एंड उसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना भी ज़रूरी रहेगा। तो दोनों के दोनों कन्फर्मेशन के बाद इसमें एंट्री हमारी बनने वाली है। अगला शेयर देखें तो वो है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे के पूरे दिन मूविंग एवरेज रहा, स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहा, तो मंडे वाले दिन भी इसमें ऐसी ही मोमेंटम शायद आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या वेट करना होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी उसके हाई के ऊपर हम इसमें ज़रूर एंट्री बना सकते हैं। तो आप HAL के इस स्टॉक को यहाँ पे अपनी रडार पे रख सकते हो। अगला शेयर अगर हम देखें तो वो है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT में आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग, प्राइस भी उसी के आसपास है। तो अब जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है या फिर इस लेवल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद भी हमारी एंट्री इसमें बनने वाली है। तो 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ शेयर्स बताए जिसमें आप मंडे के दिन काफ़ी अच्छा मौका पा सकते हो पैसे बनाने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो हम जो स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के निकालते हैं उसमें हमारा मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो एंड आपको भी फ़ायदा हो। तो अभी तक आपने स्ट्रेटेजी नहीं देखी तो वो वीडियोज आप यहाँ पे इस दोनों लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 1 रहेगा लेफ्ट साइड में, पार्ट 2 रहेगा राइट साइड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।